प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 5वीं पुण्यतिथि है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सदैव अटल स्मृति स्थल जाकर वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम नेता उपस्थित रहे। उन्होंने भी पूर्व पीएम को नमन किया। मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, अटल बिहारी ने देश के विकास को गति देने में बड़ी भूमिका निभाई है। वाजपेयी के नेतृत्व में देश को बहुत लाभ मिला है। वह 21वीं सदी में देश को आगे ले गए हैं। विलक्षण अटल जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने में 140 करोड़ भारतीयों के साथ हूं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र राज्य अतिथि गृह का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान वरिष्ठ मंत्री रिनिका बुइया शर्मा और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। 44,000 वर्ग फुट में बने इस गेस्ट हाउस, जिसमें 2 वीआईपी रूम में 4 वीआईपी रूम और 6 वीआईपी कक्ष, सम्मेलन कक्ष, डाइनिंग हॉल, सुरक्षा बैरक और रेजिडेंट अधिकारी आवास है। शिमला के पास भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में बचाव प्रयासों के लिए पश्चिम वायु कमान का चिनूक हेलीकॉप्टर ने एक ही उड़ान में 18 भारतीय सेनाओं का जवान और 3 टन मिनी डोजर को एयरलिफ्ट किया। लगातार बारिश हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का कहर जारी है, जहां पिछले कुछ हफ्तों से भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण इमारतों और संपत्तियों को नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण भूस्खलन, बादल फटने और सड़क अवरुद्ध होने से कम 55 लोगों की जान चली गई है। झारखंड के चाईबासा में टोंटो जंगल में नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान झारखंड जोगवार के अमित तिवारी और गौतम कुमार शहीद हो गए। दोनों शहीदों को पार्थिव शरीर रिम्स में पोस्टमार्टम के बाद देर शाम झारखंड जोगवार के मुख्यालय लाया गया। झारखंड जोगवार मुख्यालय में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और सीएम हेमंत सोरेन सहित राज्य से मुख्य सचिव से लेकर गृह सचिव और दूसरे लोगों ने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर शहीद के परिजनों से राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने मुलाकात कर उन्हें
संत्वना दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार राज्य में नक्सली गतिविधि को काबू में करने का प्रयास कर रही है। झारखंड जगुआर के दो जवानों को नक्सल ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए और ये सरकार के लिए भी और इस राज्य में नक्सली गतिविधियों पर काबू करने का जो पुरजोर प्रयास चल रहा है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ में झारखंड जगुआर के शहीद पुलिस सब इंस्पेक्टर अमित तिवारी और हवलदार गौतम कुमार को श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि हम सभी को इनके आदर्श सहवास शौर्य पर गर्व है। राज्यपाल ने उनके परिजनों से भेंट कर अपनी संवेदनाएं प्रकट की। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के शहीद को परिजनों के साथ हमेशा कड़ी है। दोनों शहीद जवानों को टेंडर ग्राम रांची के झारखंड जगुआर के मुख्यालय में श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार और पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह समेत कई वरीय पुलिस पदाधिकारी ने शहीद जवानों के पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण कर उनकी शहादत को नमन किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के लिए हाई पावर कमेटी के साथ बैठक की। एक बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य में मौजूदा आपदा जैसी स्थिति की समीक्षा की। पिछले चार दिनों में हुई मूसलाधार बारिश के कारण राज्य भर में भारी नुकसान हुआ है। बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव बारकेडा, प्रधान सचिव देवेश कुमार, सचिव गृह डॉक्टर अभिषेक जैन, निदेशक SDM DC राणा, ADGP संतवाना अटवाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्ण काग पैकेज योजना शुरू की। राष्ट्रीय काग सुरक्षा अधिनियम ने तहत आने वाले परिवारों को अन्नपूर्ण भोजन मिलेगा हर महीने मुफ्त में पैकेट। अशोक गहलोत ने कहा, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अन्नपूर्ण भोजन पैकेट योजना शुरू करना बहुत खुशी की बात है। पूरे देश में राजस्थान जैसा उत्सवी माहौल है, इस बार योजना का अनुभव हुआ। इस योजना से लगभग 180,000 लोग लाभान्वित हुए। अन्नपूर्ण गारंटी कार्ड के माध्यम से हितग्राहकों को कंप्यूटर में अंकित पत्रता अनुसार भोजन पैकेट प्राप्त हुए। प्रसन्नता है कि आज 15 अगस्त एक पावन दिवस है और जिस प्रकार से स्वाधीनता दिवस मनाते हैं हम लोग, उस मुबारक मौके पर अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का भी प्रारंभ करना निश्चय किया। मुझे खुशी इस बात की भी है कि आजकल राजस्थान के अंदर जो
उत्सव का माहौल है। मैं चाहूँगा ऐसा उत्सव का माहौल पूरे देश के हर राज्य में हो। इस बार ये प्रयोग किया गया तो मुझे खुशी है कि 1,93,00,000 परिवार राजस्थान में। केंद्रीय मंत्री और अपना दल सोनीलाल के नेता अनुप्रिया पटेल ने विपक्षी दलों पर करारा हमला किया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने भाषण की आलोचना करने पर उन्होंने कहा कि विपक्ष पूरी तरह हताशा और निराशा हो गया है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जानता है कि 2024 के लोकसभा में भी उनकी वापसी संभव नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहा है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं अपनी पार्टी अपना दल की ओर से, हमारे सभी एनडीए घटक दलों की ओर से और पूरे हमारे एनडीए परिवार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। वो 140 करोड़ भारतीयों की श्रद्धा का केंद्र हैं और सदैव उनकी कविताएं, उनका साहित्य, उनकी राजनीतिक जीवन यात्रा हमें प्रेरित करती रहेगी। मैम, उन्हीं की जो पॉलिसी रही है करप्शन को हटाना है और जिस तरह के जो उनके मार्क्स हैं उन्हीं पर ही बीजेपी आज तक काम कर रही है। कल भी पीएम ने वहीं से करप्शन के बारे में बोला लेकिन ऑपोजिशन ने क्वेश्चन किया कि यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशाने से ऊपर पहुंच गया है। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के मुताबिक जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। यमुना नदी अपने खतरे के निशाना 205.33 मीटर पर पार कर 205.39 पर पहुंच गई है। रात 10 बजे दिल्ली के पुराने रेलवे ब्रिज पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हुई है। शाम 6 बजे पुराने रेलवे ब्रिज पर जलस्तर 204.94 मीटर था। कल भारत ने अपने 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस मौके पर हिज्ब उल मुजाहिदीन आतंकवादी इरशाद अहमद के भाई बशीर अहमद ने अपना आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इरशाद अहमद को अंत की संगठन से संबंध के कारण पिछले साल अक्टूबर में UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया गया था। उनके भाई बशीर अहमद ने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ इस अवसर का जश्न मनाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। परिवार के बच्चों ने भी राष्ट्रीय गीत सुनाए और कार्यक्रम का भरपूर आनंद उठाया। इरशाद 1949 में आतंकवाद के शामिल हो गया और LAC के दूसरे ओर चला गया। मुदस्सिर अहमद के पिता तारिक हुसैन गैनू ने कहा कि हमने राष्ट्रीय ध्वज फहराया है और हम सभी से ध्वज फहराने का आग्रह करते हैं। मेरा बेटा गलत रास्ते पर चला गया, हम सरकार से वापस लाने का आग्रह करते हैं। इरशाद अहमद मुदस्सिर अहमद की माँ प्रवीणा बेगम ने कहा, हम चाहते हैं कि वह वापस आए और सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण करे। हम सुरक्षा बलों और सरकार से उसे वापस लाने की अपील करते हैं। सर, एक्चुअली मैं वो 1994 गया था, मेरी डेट ऑफ बर्थ 1987 है, उसको मैं जानने तक नहीं, लेकिन सुनने में आया था जब उनकी वजह से हमारी माँ की डेथ हुई है, पागलपन हुआ था उसका, उसके बाद उसकी डेथ हुई थी। हम अभी उससे भी अपील करना चाहते हैं कि सरकार से भी, कि अगर किसी तरीके से वो घर आ जाए, ताकि हमारे पापा उनको कभी भी याद करते रहते हैं, अपना देश अपना ही है, क्योंकि उनकी वजह से हमारी बहुत लॉस हमारे घर का हुआ। अब माँ की डेथ हुई सर, उसके बाद तकलीफ ही तकलीफ है सर, सब जी सर परेशानी है। भाई है हमारा कि पहले हम यही कहें कि उसने गलत रास्ता इख्तियार किया है, अभी उसका वक़्त है सर अपनी ज़िंदगी गुजारने का, कि अपना देश वापस आ जाए। हम उनकी सरकार भी से अपील करेंगे, सपोर्ट कर सकते हैं। एडमिशन चाहिए, CEO साहब हमारे हैं, मैनेजर साहब हैं, जिस तरीके आना चाहते हैं हम उनको कोशिश करेंगे आने। तो आप ये जो जनरल ले रहा है, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे सर हम हिंदुस्तानी मरेंगे मिटेंगे, हमारा तिरंगा यही है, हमारी शान है, पहचान है।